Hello viewers, how are you? You are watching my channel Azraz Beauty Parlor. Viewers, आज मैं आपको कलर ट्यूब और डिवेलपर्स के बारे में बताऊंगी. डिवेलपर्स जो होते हैं वो बालों के क्यूटिकल खोलने के लिए यूज़ किए जाते हैं. डिवेलपर में परऑक्साइड की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रांग होगा. डिवेलपर में वॉल्यूम होते हैं और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज है. जैसे 10 वॉल्यूम का परसेंटेज 3 होता है, 20 वॉल्यूम का 6 होता है, और 30 वॉल्यूम का 9 होता है, 40 वॉल्यूम का 12 होता है. अब पर्सन क्या है? पर्सन वो सोल्यूशन या लोशन जिस पर कितना पर्सन हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो उसे पर्सन कहते हैं. चलें अब बात करते हैं सिल्क की कलर ट्यूब और डेवलपर्स के हवाले से. ये जो सिल्क की ब्रांड है बहुत अच्छी ब्रांड है. इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट है. हेयर शाइनी और अच्छे हो जाते हैं और हेयर फॉलिंग भी नहीं होता इसके यूज़ करने से. जो 10 वॉल्यूम होता है, किसी भी ब्रांड का 10 वॉल्यूम या सिल्क के ब्रांड हो या क्यूने हो या फॉर्मल होता है, बहुत माइल्ड होता है. ये लाइट हेयर जो कलर होता है उसको डार्क करने के लिए यूज़ किया जाता है, हेयर टॉनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. 10 वॉल्यूम से क्यूटिकल ओपन नहीं होते, इसलिए ये सेमी परमानेंट बन जाता है. सेमी परमानेंट यानी आपने जो कलर अप्लाई किया हुआ वो कुछ ही वॉश में निकल जाता है आपके हेयर से. और ये जो 10 वॉल्यूम होता है ये सेंसिटिव हेयर के लिए यूज़ किया जाता है. अब बात करते हैं 20 वॉल्यूम के हवाले से. ये जो 20 वॉल्यूम होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला वॉल्यूम है. ये ग्रे कवरेज के लिए यूज़ किया जाता है और ये सेम लेवल पर ही रहता है. ज़्यादातर लोग जो मार्केट से जैसे ओलिविया कलर लेते हैं या कोई और ब्रांड का कलर लेते हैं तो उसमें 20 वॉल्यूम ज़रूर होता है, क्योंकि ये सेम लेवल पर रहता है. किसी को जैसे मीडियम ब्राउन कलर चाहिए या ब्लैक कलर, ज़्यादातर वाइट हेयर को छुपाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो 20 वॉल्यूम उसमें होता है लाजमी. अब मैं 30 वॉल्यूम का बताती हूँ. जो 30 वॉल्यूम होता है ये 20 वॉल्यूम से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ये 1 to 2 लेवल लिफ्ट करता है. अगर डार्क लेवल का हेयर है हमारा तो लेवल 1 लेवल लिफ्ट करेगा, और अगर लाइट हमारा जो बालों का जो लेवल है वो लाइट है तो ये 2 लेवल लिफ्ट करेगा. अच्छा, जो 30 वॉल्यूम होता है ये डायरेक्ट लिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे आप थोड़ा लाइट कलर चाह रही हैं बालों में, आपका बाल जो है वो थोड़ा डार्क है, थोड़ा लाइट कलर चाह रही हैं, तो 30 वॉल्यूम के साथ लगाएंगी तो जैसे आपने कलर सिल्की कलर लिया आपने और 30 वॉल्यूम लिया और दोनों को मिक्स करके रेशियो मैंने आपको. जो 40 वॉल्यूम है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है. ये सिर्फ प्रोफेशनल ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके यूज़ करने से हेयर रफली और ड्राई हो जाते हैं. अगर हम फाइन हेयर पे ये यूज़ करते हैं तो जो हमारे हेयर्स है वो हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाएगा. प्रोफेशनल इसको कट डाउन के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल आप यूज़ ना करें. अगर आप 30 वॉल्यूम से ब्लीच करती हैं, जैसे कट डाउन करती हैं, तो उसमें वॉल्यूम का रेशियो बढ़ा दें. जैसे ब्लीच पाउडर आपने लिया उससे डबल कर लें इसको 30 वॉल्यूम को, तो आपका फिर कट डाउन सही तरीके से हो जाएगा. अगर आपके बाल लाइट हैं तो, अगर आपका बालों का लेवल लाइट नहीं है, थोड़ा हैवी हेयर्स हैं आपके, तो आप देखें कि अगर कट डाउन सही नहीं आ रहा है तो फिर 40 वॉल्यूम ब्लीच के साथ थोड़ा सा मिलाएं और एंड में लगा लें. 15 मिनट्स में पता चल जाता है कि ब्लीच कैसा हो रहा है, कट डाउन कैसा हो रहा है. तो अगर आपको सही ना लगे तो फिर थोड़ा सा 40 वॉल्यूम मिक्स करके बालों में लगा लें, विद देन वॉश के दे दें, फिर इस तरह हेयर डैमेज भी नहीं होंगे. ये सिल्की की ट्यूब है, ये आप देख सकती हैं कलर ट्यूब, और ये 100 ml होती है. इसमें रेशियो भी लिखा हुआ है 1:1.5, ये देख रही हैं. यानी जो ट्यूब कलर है, आपने जो ट्यूब लिया उसमें डेवलपर की मिकदार बढ़ानी है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, ठीक है. और ये थोड़ी सी यूज़ की हुई मैंने ये कलर ट्यूब, ये आप देख सकती हैं. ये जो सिल्की का कलर है ये मेड इन इटली है, ये देख लें आप. और इसका डेवलपर भी मेड इन इटली है, इसकी पैकिंग भी देख सकती है. ये देखें, ये सिल्की का डेवलपर है मेड इन इटली और 1000 ml है ये. ये देखें, ये प्रोफेशनल यूज़ है इसलिए 1000 ml है. आप 60 या 100 ml. व्यूवर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकती हैं. और लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल. अल्लाह हाफिज़.